हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए कुर्ती की ड्राफ्टिंग और कटिंग वीडियो लेकर आए हैं। तो यहाँ पे हमने कुर्ती के लिए ये फैब्रिक ली है और सबसे पहले आप कुर्ती के बैक और फ्रंट पीस अलग कर लें। तो यहाँ पे हमने कुर्ती के बैक पीस को अलग कर लिया है। फ्रंट पीस को हमें अच्छे से फोल्ड करना है। पहले आपको ये देखना है कि जो कुर्ती में वर्क है वो किस तरह से है, आप उसी तरह से इसे फोल्ड करें ताकि जो ये वर्क है सेंटर में आ सके। तो यहाँ पे हमने इसे फोल्ड कर लिया है। अब हम लेंथ ले रहे हैं। कुर्ती हम सिल के तैयार करेंगे 38 इंच की। तो पहले आप फिक्स मार्क कर लें जितनी भी लेंथ की आप कुर्ती तैयार करना चाहती हैं। तो यहाँ पे मैं 38 इंच पे मार्क करके लाइन ड्रॉ करूँगी और इसके बाद इस लाइन से 3 इंच फैब्रिक बॉटम पार्ट से फोल्ड करने के लिए और सिलाई के लिए ऐड कर रही हूँ। तो दूसरा मार्क हमने इस लाइन से 3 इंच पर किया है। अब हम शोल्डर रखेंगे। बन साइड की तरफ हम इंची टेप को रखेंगे। शोल्डर यहाँ पे हम 7 इंच रखेंगे और आर्म होल्स की लेंथ भी हम 7 इंच ही रखेंगे। 7 इंच तक हमें लाइन ड्रॉ करनी है। इस लाइन को हमें बाहर की तरफ ड्रॉ करना है और अब हमें चौड़ाई का 4th भाग लेना है। चौड़ाई है 38 इंच, तो 4th हुआ 9.5 इंच। हाफ इंच फैब्रिक और ऐड करेंगे तो यहाँ पे हम 10 इंच पे मार्क करेंगे और 2 इंच फैब्रिक यहाँ पे मार्जिन के लिए ऐड कर रहे हैं। आर्म होल से हम एक मार्क करेंगे 8 इंच पर। ये मार्क हम कमर की ड्राफ्टिंग के लिए करते हैं। यदि कुर्ती साइज कम हो तो ये मार्क आप 7 इंच पर करें। कमर साइज है 34 इंच, 4th हुआ 8.5 इंच। हाफ इंच फैब्रिक हम अधिक ऐड करेंगे तो यहाँ पे हम 9 इंच पे मार्क करेंगे। 2 इंच फैब्रिक यहाँ पे हम मार्जिन के लिए ऐड कर रहे हैं। अब हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो लाइन इस तरह से हम तिरछी ड्रॉ करते हैं अक्सर। सिलाई हम दूसरे तरह से लगाते हैं। आज हम ऐसे ही लाइन ड्रॉ करेंगे जैसे हम सिलाई लगाते हैं। तो पहले आप ऐसे आर्म होल से एक मार्क 4 इंच पर करें और यहाँ से चौड़ाई हम रखेंगे 9.5 इंच। हाफ इंच कम रखेंगे चौड़ाई से और फिर इस लाइन को हमें ऐसे मिलाना है और फिर यहाँ पे हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे जैसे हम सिलाई लगाते हैं। सेम ऐसे ही आप दूसरी लाइन ड्रॉ कर लें। तो इस तरह से जब हम सिलाई लगाएंगे तो हमारी कुर्ती में खिंचाव नहीं आएगा, इस बात का आप ध्यान रखें। और अब हम आर्म होल से एक मार्क और करेंगे जहाँ से हम चाक फोल्ड करते हैं। तो ये मार्क हम 13 इंच पर करेंगे। यदि चाक आप नीचे पहनना चाहती हैं तो ये मार्क आप 15 इंच पर करें। मैंने यहाँ पे ये मार्क 13 इंच पर किया है। और यहाँ पे जो हम मेजरमेंट रखेंगे वो हिप मेजरमेंट के अकॉर्डिंग रखेंगे। हिप साइज है 40 इंच, तो 4th हुआ 10 इंच। हाफ इंच फैब्रिक हम अधिक ऐड करेंगे तो यहाँ पे हम 10.5 इंच भी मार्क करेंगे और 1.5 इंच फैब्रिक हम चाक फोल्ड करने के लिए ऐड करेंगे। फिर हमें ये लाइन इस तरह से ड्रॉ करनी है और फिर यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे बॉटम पार्ट तक ऐसे। तो आप इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करें क्योंकि बॉटम की जो हम चौड़ाई रखते हैं वो भी हम हिप मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही रखते हैं। आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग के लिए पहले आप आर्म होल्स की लेंथ देखें ये कितनी है। ये 7 इंच है तो यहाँ पे हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे 1.5 इंच पर और गोलाई करेंगे। ये हमारे बैक आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग होती है। फ्रंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग के लिए जो मार्क हमने सेंटर पे किया है 1.5 इंच, इस लाइन से हम एक मार्क और करेंगे यहाँ पे 1.5 इंच की दूरी पर इस लाइन से। और 1.5 इंच की दूरी पर यहाँ पे हम मार्क करेंगे इस लाइन से। फिर हमें गोलाई करनी है। ये हमारे फ्रंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग होती है।
और गले की ड्राफ्टिंग के लिए बन साइड की तरफ हम इंची टेप को रखेंगे और गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच रखेंगे और लेंथ हम इसकी 7 इंच रखेंगे। फ्रंट गले की लाइन ड्रॉ करनी है, बॉक्स बनाना है और 1/2 इंच पर हम गोलाई करेंगे। इसके बाद शोल्डर हम 1/2 इंच डाउन करेंगे, गले से आर्म होल्स की तरफ शोल्डर हम 1/2 इंच डाउन रखेंगे। ड्राफ्टिंग हो गई है, अब हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमें गले को कट करना है, फिर हम इसे शोल्डर की तरफ से कट करेंगे, फिर बैक आर्म होल्स की कटिंग करनी है और फिर आप इसे साइड से और बॉटम से कट कर लें। तो यहाँ पे हमने ये कटिंग कर ली है, अब हमें बैक पीस लेना है। बैक पीस को हम फोल्ड करके रखेंगे ऐसे, और बैक पीस के ऊपर हमें ये फ्रंट पीस इस तरह से रखना है। बन साइड की तरफ हम गले को रखेंगे और साइड से ड्राफ्टिंग करेंगे इसी के बराबर ऐसे, फिर आप बॉटम से ड्राफ्टिंग कर लें बराबर, और फिर आर्म होल्स की, फिर शोल्डर की तरफ से, और फिर आप यदि गला जैसा भी बनाना चाहते हैं, डीप गला बनाना चाहती हैं तो डीप गले की ड्राफ्टिंग कर लें। मैंने बैक गले की लेंथ 1.5 इंच रखी है और बॉक्स बना के 1/2 इंच पे गोलाई की है। ड्राफ्टिंग हो गई है, अब कटिंग करेंगे। पहले हम बैक गले को कट करेंगे, फिर हमें इसे शोल्डर की तरफ से कट करना है, फिर हमें बैक आर्म होल्स की कटिंग करनी है और फिर आप इसे साइड से और बॉटम से कट कर लें। तो यहाँ पे हमने कटिंग कर ली है। इसके बाद 2 पीस हम ऊपर की तरफ करेंगे और फ्रंट पीस में फ्रंट आर्म होल्स की आप कटिंग कर लें। तो कुर्ती की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। तो बाजू की कटिंग की वीडियो हमने चैनल पर पहले से अपलोड कर दी है, आप वहाँ से देख लें। अब हम आपको इसे रख के दिखा रहे हैं। यदि फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।